स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये देखिए, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल घर में आसान तरीके से मंचूरियन। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है, कैसे कैसे बनाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मंचूरियन बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। हमने पत्ता गोभी को देखिए बारीक काट लिया है, बिल्कुल महीन। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे है मैदा, ये है अरारोट पाउडर कुरकुरा बनाने के लिए। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं, ये हमने शिमला मिर्च ले लिया है, यहाँ पे हमने प्याज लिया है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। मसालों में हम लिए हैं, ये देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, ये तीखा मिर्च पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। चलिए मिलाते हैं इसको। मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं डालना है, चिपकने भर के लिए डालना है। ये देखिए, यहाँ अरारोट पाउडर को भी डाल देते हैं 2 चम्मच, क्योंकि हमारा ये पत्ता गोभी ज़्यादा है। ये देखिए, अब इसमें जाएगा लहसुन, ये अदरक है हमारा थोड़ा सा। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए, अब सबको हम हल्के हाथों से मिलाएंगे इसको, सभी चीज़ों को। अब थोड़ा थोड़ा करके मैदा और अरारोट पाउडर डाल सकते हैं, जितना लगे उतना ही डालें, ज़्यादा हमको नहीं डालना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम छानेंगे, देखिए इस तरीके से हम बॉल को छानेंगे। चलिए फिर कढ़ाई रखते हैं गैस पे। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो रहा है, अब इसमें हम बॉल को छानेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, तेल हमारा गरम हो चुका है। देखिए अब हम मंचूरियन को छानेंगे। आप अपने हिसाब से बॉल को ले सकते हैं, छोटा बड़ा, मैं इतना बड़ा बड़ा कर रही हूँ। देख सकते हैं हम डाल दिए हैं इसमें। इसे धीरे धीरे आंच में हमें सिझाना है अच्छे से, लाल करना है। देखिए दोस्तों, धीरे से इसे हम पलटेंगे, पलट के हमें दोनों तरफ अच्छे से लाल कर लेना है। देखिए इस तरीके से आराम आराम से हल्के हाथों से पलटिएगा, आगे टूट सकता है ये। देखिए इस तरीके से पलट के हमें अच्छे से लाल कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा मंचूरियन अच्छे से लाल हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इतना अच्छे से कुरकुरा हो गया है। अब इसे हम निकाल के आपको देखिए कितना कुरकुरा बना है, क्रिस्पी। हमने इसमें फूड कलर नहीं डाला है दोस्तों, देखिए घर में बनाने खाने के लिए हेल्दी और टेस्टी मंचूरियन। देख सकते हैं दोस्तों, बाकी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे मंचूरियन को। देखिए दोस्तों, इसे भी हम पलट पलट के लाल कर लेंगे अच्छे से।
आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी पकौड़े की तरह टेस्टी लगता है। ये अच्छे से लाल हो जाएगा। देखिए दोस्तों लाल हो गया है हमारा मंचूरियन, इसे भी हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है। देखिए देखिए आधा हम लोग का वैसे ही चट हो गया है, सब बच्चे लोग खा गए आधा, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी को भी छान लेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से ग्रेवी को रेडी करते हैं। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल थोड़ा सा। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इसमें लहसुन कूटा हुआ, अब अदरक को भी साथ में डाल देंगे। फटाफट से इसे हम चला चला के भून लेंगे थोड़ा सा। देख सकते हैं सब कुछ फटाफट से करेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कच्चापन चला जाए इसका। अब इसमें जाएगा हमारा प्याज, कटा हुआ मिर्च, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए साथ में डाल देंगे हम शिमला मिर्च को भी, आप चाहे तो गाजर भी ले सकते हैं, हमारे पास गाजर नहीं था दोस्तों, थोड़ा सा हम लाल काटेंगे हल्का सा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम उसमें भी डाल दिए हैं मंचूरियन में भी और सॉस में भी रहेगा, इसलिए सब्जी के अनुसार डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक ताकि सब्जी पक जाए। देख सकते हैं दोस्तों हमारा शिमला मिर्च और प्याज लाल हो चुका है हल्का सा, अब इसमें जाएगा हमारा काली मिर्च पाउडर, इसे भी हम थोड़ा सा चला देंगे। अब जाएगा इसमें सॉस, ये देखिए सोया सॉस सही है, अब इसमें डालेंगे चिली सॉस एक बड़े चम्मच, इसमें जाएगा हमारा किसान केचप ये भी बड़ा चम्मच जाएगा। सबको हम फटाफट से चला देते हैं। देखिए देख सकते हैं अब इसका ग्रेवी बनाने के लिए दोस्तों हमने लिया है इसमें देखिए अरारोट पाउडर, उसको हमने घोल बना लिया है, देखिए पतला घोल बना के हम इसमें डाल देंगे। देखिए एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम बॉल को डालेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है, देखिए अब हम डालेंगे बॉल को। बॉल को डाल के हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे, देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों मिला दिए हम, देख सकते हैं। अब इसे हम सर्व करते हैं। देख सकते हैं ये देखिए इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा प्याज लच्छेदार,
देखिए, और जाएगा धनिया पत्ता, ये देखिए दोस्तों हमारा मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, जरूर एक बार ट्राई करिएगा हेल्दी तरीके से घर में मंचूरियन। एक बार खाएंगे तो बाजार का भूल जाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का